इलेक्शन कमीशन का जो डेलीगेशन है, पूरा इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाली, श्रीनगर के दौरे पर आने वाली, और ये 3 दिनों का दौरा होगा। कितना अहम ये दौरा है और क्या इसे माना जाए कि एक इस जो चुनाव जिसका इंतजार किया जा रहा है उस सिलसिले की ये एक और कड़ी है? देखिए, ये इंतखाबात जमहूरियत की रूह है। इंतखाबात के बगैर जमहूरियत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में 6 साल से हमें इंतजार है इंतखाब का। और जो ये जम्मू कश्मीर जो इलेक्शन कमीशन का दौरा है, ये मुतवातिर वो दौरा करते रहे हैं। बल्कि एक बार सारी जम्मू कश्मीर की जो भी सियासी जमातें हैं उनके जो लीडर हैं, उन्होंने वो मुलाकात हुए इलेक्शन कमीशन से दिल्ली में, और उनसे गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन कराए गए। इतना ही नहीं, बल्कि जो सारे मुल्क की जो सारी बड़ी नेशनल पार्टीज़ हैं, तो उन्होंने भी तहरीरी तौर पर, हमारी एक मीटिंग हुई जम्मू दिल्ली में, तो तहरीरी तौर पर एक अर्जदाश्त पेश की, हमारे साथ शामिल हुए इस हिस्सा में। लेकिन फिर भी इलेक्शन का, अगर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने एतराफ़ किया कि यहाँ एक वैक्यूम है जम्मू कश्मीर में, फिर भी आज तक इलेक्शन के हवाले से कोई टाइम फ्रेम का कोई मुश्तहिर नहीं किया गया, कि ऐलान नहीं किया गया, बल्कि बार बार ये इंदिया दिया गया कि इलेक्शन होने वाले हैं। और ये लफ्ज़ जो फ्रेज है वेरी सून, बहुत जल्द, ये लंबा होता गया 5 साल 6 साल में। अब जनाब, इस पस मंज़र में तो जो जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है इलेक्शन कमीशन, तो उसे एक उम्मीद बनती है उनके आने की, यहाँ पर तशरीफ लाने की और मुलाकात करने की। लेकिन तब भी ये उम्मीद होगी वाजे जब जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद इलेक्शन कमीशन जम्मू में ही ऐलान करेगा एक इलेक्शन टाइम फ्रेम का, भले ही जो फॉर्मल नोटिफिकेशन है वो बाद में हो। तो लेकिन अब क्या वजह है कि जो 3 रियासतों में टाइम फ्रेम का ऐलान किया गया है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो क्या वजह है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बारे में एटलीस्ट एक आउटर डेट का ऐलान नहीं किया जा रहा है? उससे क्या हुआ, ये देखिए, एक पसमंजर में देखिए आप बोरा साहब, अभी यहाँ पर योगा डे पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर को अपनी असेंबली मिलने वाली है, और ये भी ऐलान किया कि बहुत जल्द ही स्टेट का यहाँ पर वो रेस्टोरेशन हो जाएगी। लेकिन उसके फौरन बाद 12 जुलाई को अहकाम किए सादिर किए गए, जिनके तहत सारे अख्तियार मरकूज किए गए एलजी में, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब में सारे जो अख्तियार थे मरकूज किए गए। तो क्या वजह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ 2 दिन पहले ये ऐलान किया कि बहुत जल्द स्टेट रेस्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद ये बनता नहीं है मामला? तो इस सारे मामले से एक क्या होता है कि एक अंदेश पैदा हो जाते हैं कि क्या कहीं ये सिर्फ एक रस्मी ऐलानत ना हो, रस्मी मुलाकात ना हो और रस्मी दौरे ना हो, बल्कि ये नतीजा खेज हो, इनका नतीजा कोई बरामद हो, ताकि यहाँ पर अवाम को नहीं, तो हसन मसूदी साहब, क्या अभी भी शक है कुछ? जब वजीर आजम साहब ने कह दिया, देखिए जब तक जब इलेक्शन कमीशन दौरा कर रहा है तो अभी भी शक है? नहीं, देखिए वजीर आजम ने यह भी कहा था कि स्टेटहुड जल्द ही रेस्टोर हो जाएगा। उस स्टेट, उस ऐलान के पस मंजर में ये कोई वजह नहीं बनती थी एक ऐसा हुक्मनामा जारी करते कि सारे जो अख्तियार हैं वो मरकूज किए जाए एलजी में, जबकि एलजी को रहना नहीं है। स्टेटहुड जब रेस्टोर हो गया तो यहाँ पर एक गवर्नर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, एक सरकार होगी, तो एलजी को मैं एग्जीक्यूटिव पावर्स मरकूज करना कोई वजह नहीं बनती है। देखिए इन सारे मामलों में, इस पसमंजर में, तो तब तक ये शकूक बराबर रहें, जारी रहेंगे। अगर जो उम्मीद है वो आएंगे, बात होगी, लेकिन शकूक रहेंगे जब तक एक वाज़ह ऐलान नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन कि टाइम फ्रेम क्या है, कब तक इंतखाब होंगे। भले ही वो, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, भले ही वो फॉर्मल नोटिफिकेशन बाद में करे, लेकिन आज की इस दौरे के आखिर में हम ये तवक्का करेंगे कि एक ऐलान होगा झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह की, ये जी आउटर डेट होगी यहाँ के इलेक्शन की। ठीक है, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिये उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है हसनैन मसूदी साहब को, लेकिन फिर भी अभी शक की नजर से इसे देखा जा रहा है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दौरे तो इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन के होते रहे, प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी कहते रहे, लेकिन जो अपोजिशन है वो एक तरह से मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में चुनाव होंगे। देखिए हरारत साहब के जज साहब जो हैं, हसन मसूदी साहब जी हाईकोर्ट के जज रहे हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी ये सियासत में है और ये मुद्दे के तौर पर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा कुछ ना, इसके इनके पास और कोई मुद्दा ज्यादा है नहीं।
तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी डरती है, ये चुनाव नहीं कराना चाहते, ये आखिरी वक्त तक इस प्रकार का जो लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, अंदर अंदर से ये भी जानते हैं कि इलेक्शन होंगे, और जब जो है इलेक्शन कमीशन ने समरी रिवीजन शुरू कर दिया है, यहाँ पर जो है वो जो कौन से ऑफिसर्स कहाँ रह सकते हैं, उनकी उनका जो प्रोटोकॉल रहता है उसको इशू कर दिया ऑफिशियली, सभी जो है स्टेटों की जिनकी बात की उनका भी अभी कोई नोटिफिकेशन उस प्रकार से नहीं आया है, तो जम्मू कश्मीर में वो चीफ इलेक्शन अभी इलेक्शन कमीशन 2-3 दिन के दौरे के ऊपर जा रहा है, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। और प्रधानमंत्री जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इलेक्शन से पहले ही नहीं कहा, जो उधमपुर में वो 21 जून को जब कश्मीर में आए और उन्होंने यहाँ पर जो योगा डे के ऊपर भी उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में हमारे गृहमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद जो सारी जो बातें उसके बावजूद भी ये, क्योंकि ये सियासी मुद्दा, इनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और ये कांग्रेस के पास, तो इस प्रकार का भ्रम आखिर दम तक जो फैलाए रखेंगे, उसके बाद ये कुछ और मुद्दा ले लेंगे, तो इसलिए इनको पता है इलेक्शन हो जाएंगे। जब मैं दूसरी बात मैं कहूंगा, जो इलेक्शन की जब बात होती है, ये इलेक्शन नहीं हो रहे यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, अरे भाई लोकसभा के इलेक्शन भी जमहूरियत के दायरे में आते हैं, डीडीसी के और बीडीसी के इलेक्शन भी जमहूरियत के दायरे में आते हैं, जो आपकी सरकारों ने पिछले 76 साल नहीं किए, और उसमें जो है पंचायत इलेक्शन भी 2-3 बार हुए हैं, जब अटल जी आए थे तो 26 साल के बाद हुए थे, और आपकी सरकार थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उनको पावर्स नहीं दी, क्या वोट जो 3-टायर सिस्टम है वो क्यों नहीं, क्यों भूल गया आपको, क्या वो जमहूरियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये असेंबली है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी जो 3 फैमिलीज हैं, चाहे अब्दुल्ला फैमिली है, मुफ्ती फैमिली है, या इंदिरा गांधी नेहरू फैमिली है, उनको पावर तो असेंबली से ही मिलती है, लेकिन वो भी छिन गई इनकी 5 अगस्त 2019 के बाद, और इनको लगता है कि नहीं अभी तो जैसे आम स्टेट्स में बाकी लोगों के पास पावर है, हमारे पास भी वैसी रहेंगी अगर ये जो ऐसा होने नहीं वाला कि पावर में आ जाएंगे, लेकिन मान लो पे आते हैं, इनको बहुत डर है, इसलिए ये जो है इस प्रकार का शोर बनाए रखना चाहते हैं। चलो सियासत में, लोकतंत्र में जो है हर आदमी को जो है जमहूरियत में कहने का हक है, तो ये भी कह रहे हैं, मैं इनकी बात को जो है अदरवाइज नहीं ले रहा, लेकिन जो इनकी जो साफ जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल, और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान बशारत बुखारी साहब, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और इस वक्त सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत इस्तकबाल है बशारत बुखारी साहब आपका भी News18 JKLH में। बशारत बुखारी साहब, एक तरफ बीजेपी के लोग और डॉक्टर निर्मल सिंह जी हों या प्रधानमंत्री जी हों या गृहमंत्री अमित शाह जी हों, ये कहते कहते थक गए कि चुनाव होंगे, स्टेटहुड भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन गालिब का वही शेर मुझे याद आ रहा है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो आप लोग एतबार बशारत साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? अब तो इलेक्शन कमीशन दौरा भी कर रहा है जम्मू कश्मीर का। पहले आपका शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एतबार वाली, ये सिंपल एतबार न करने वाली बात नहीं है ना। ये यूं है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेंगे, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शंस की जब हसन मसूदी साहब एमपी बने थे जी, तो उन दिनों इन्होंने असेंबली का इलेक्शन नहीं किया। मुझे बताइए, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब सीनियर लीडर हैं, बताइए क्यों नहीं किए 19 में आपने? उस वक्त भी आपने कहा कि पार्लियामेंट, ये कैसे समझाएंगे लोगों को आप जमहूरी निजाम में कि एक ईवीएम जिसपे मैं आप पार्लियामेंट के लिए वोट डालते हैं और उस ईवीएम के लिए, उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए जो वहां साथ रहते हैं या पार्टीज के एजेंट्स के लिए माहौल ठीक होता है, लेकिन जो ही वहां पे ईवीएम लगता है असेंबली के लिए तो हालात खराब हो जाते हैं, हालात में बिगाड़ आ जाता है, बड़ा मुश्किल होता है यार। सिक्योरिटी लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, निजाम चल रहा है, एक वोट की जगह 2 वोट डालने हैं, लेकिन आपने नहीं किया। कौन जवाब दे सकता है इसका कि जब हसनैन मसूदी साहब एमपी बने उस वक्त असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हुए? नहीं कर दिए उन्होंने, कहा नहीं करेंगे क्योंकि इनके इरादे ठीक नहीं थे। वो इसलिए बहुत एहतराम से कह रहा हूं मैं क्योंकि 2019 में 5 अगस्त तो इन्होंने जो हमारे साथ ज्यादती की उनको वो करना थी, इसलिए इलेक्शन नहीं कर लिए। उसके बाद तो छोड़िए बाकी चीजों को, आप अपने डीडीसी कर लिए, आपने पंचायत कर लिए, पंचायत के वो पोलिंग बूथ के लिए भी हालात ठीक हैं,
डीडीसी इलेक्शन के लिए भी हालात ठीक है, और अभी जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, मुझे याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तब यहाँ आए थे, कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते करते जब उनसे पूछा गया कि आप सिर्फ पार्लियामेंट अनाउंस कर रहे हैं, असेंबली क्यों नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, जहां तक मुझे याद है, अगर गलत हूं तो सही कर लीजिएगा, उन्होंने कहा कि यहाँ के इंतजामिया ने यह कहा कि हम दोनों इलेक्शन साथ नहीं कर सकते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को भी ये पूछना चाहिए था उनको कि भाई अगर आप सिक्योरिटी फराहम करते हैं, बाकी चीजें एक इलेक्शन के लिए करते हैं, इसमें दूसरा ये ईवीएम लगाने से कि हालात कैसे बिगड़ जाते हैं, नहीं कर दिया। आप फिर इलेक्शन के, मैंने परसों शायद डॉक्टर निर्मल सिंह साहब मौजूद थे उस डिस्कशन में, जब आप ही के साथ डिस्कशन था, मैंने वहां कहा, मैंने इनको शुक्रिया अदा किया निर्मल सिंह साहब का कि आप कहते हैं इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी किया कि एतबार नहीं, वो इसलिए कि मैंने पास्ट 19 से लेकर आज तक आपको जो बताई कहानी, उस एतबार, उस चीज को देखकर एतबार नहीं लगता है। मैंने कल भी एक इंटरव्यू में कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने कहा मैं यार सारे हम सब इवन बसुदी साहब या बाकी साहिबान तब तक एतबार नहीं करेंगे, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब मैं बड़े एहतराम से कह रहा हूं आपको, मैं तब तक एतबार नहीं करूंगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, बिकॉज हमने देखा है ना, हमने देखा, हमने झेला है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब शायद आप भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप, मैंने परसों भी ये कहा, मैंने कहा कि अगर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक और बात कह दी थी, उन्होंने कहा था कि हम स्टेट गवर्नमेंट को पूछेंगे, ये लास्ट ईयर की बात है, इस पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले की बात है, हम स्टेट गवर्नमेंट से, हम सरकार से पूछेंगे, हम उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि सूरत हाल कैसी है। और जब अमित शाह जी से सवाल किया गया तो अमित शाह जी ने कहा कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन पूछेगा हम रिपोर्ट देंगे। आज तक पता नहीं चला कि क्या इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी थी, या अगर मांगी थी रिपोर्ट तो सरकार ने क्या जवाब दे दिया, ये पता ही नहीं चला आज तक। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें एतबार नहीं आ रहा। जी, हमें आपसे कोई बहर नहीं है, आपने जो करना था 5 अगस्त 6 अगस्त को आपने कर दिया, आपने जुल्म हमारे साथ ही नहीं किया। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, आपने हमारे साथ जुल्म नहीं किया, आपने जम्मू के समाज के साथ भी जुल्म कर दिया, ये बात आप मान लीजिए, वो भी आज समझते इस बात। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, तब तक मैं चाय पीता हूँ। हाँ अबू रेहरा साहब, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे कश्मीर के दोस्त जो है, मित्र जो है, जो पिछले 70 सालों में कभी भी जम्मू की याद नहीं आई, आज उनको याद आ रही है, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये याद ही नहीं करते, अगर हमें हिस्सा दिया होता तो ये हालत जो यहाँ पर है वो नहीं बनते। हाँ प्लीज बशारत साहब, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि मैं इनको कहूँगा कि ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो तैयारी मत करिए इलेक्शन की। हाँ मैंने कहा इनको, हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा तैयारी नहीं करें तो हमें फायदा ही है, तो ये शक में रहे, आप शक में रहिए और बिल्कुल तो उसके इंतजार करते रहिए, जब तक नोटिफिकेशन, हो सकता नोटिफिकेशन के बाद जब तक शेड्यूल तैयार नहीं होता तब तक भी आप शक में रहिएगा, क्योंकि ठीक है ना, फिर रह जाएंगे 15-20 दिन जितने भी रहते हैं, तो अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन आएगा वो जो है नहीं, लेकिन डेट्स अनाउंस निर्मल सिंह जी, निर्मल सिंह जी, सर आपने ये बड़ी दिलचस्प बात कही है कि अगर भरोसा और एतबार नहीं तो फिर तैयारी मत कीजिए, ये सही बात है, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस, तैयारी सभी कर रही है, भरोसा नहीं लेकिन तैयारी सभी कर रही है जी। हाँ दोगली बात है तो ये सिर्फ मुद्दा बना रहे, जैसे जज साहब ने, हसन मसूदी साहब ने जैसे इस प्रकार का के कहता टू कीप द पॉट बॉइलिंग, क्योंकि इनको लगता है ये मुद्दा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों को शायद ज्यादा पसंद आएगा, तो उसी लाइन को जो है बशारत साहब लगातार उसी पर चले, पूरे इनके पास एक ही मुद्दा है, नहीं इलेक्शन होंगे, नहीं लेंगे होंगे, नहीं होंगे, और अच्छी बात है, आप इसमें शक में रहिएगा तो जो है। और दूसरी बात जो है मैं कहूंगा कि लोगों को तो पूरा विश्वास हो गया है कि इलेक्शन यहाँ पर होंगे और लोग जो है वो तैयार हैं, और डेफिनेटली जिसे पिछले लोकसभा में जिसने तीनों परिवारों को एक सबक सिखाया है कि नेहरू परिवार, जो नेहरू इंदिरा गांधी परिवार की पार्टी की किसी की कोई सीट नहीं आई, पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी,
अच्छा दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, एक जो है रॉयल फैमिली से हारे, दूसरे से उनकी बिटिया हार गई, तो ये भी एक मैसेज आया है। इसलिए अच्छी बात है, आने वाले वक्त में जो असेंबली इलेक्शन में भी इस प्रकार का रिपीट होगा, तो इसलिए जो है इनको शक में रहेंगे तो हमारा अंदर से हमारी यही जो है इच्छा है कि ये शक में ही रहे। हसन मसूदी साहब, जो बात डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कही है कि अभी अभी आपको एतबार नहीं, लेकिन तैयारियों में तो सभी जुटे हुए हैं, तैयारियों में सभी लगे हुए हैं। देखिए तैयारियों में देखिए बात यह है उबरेर साहब, ये जो आप हमने जैसे बशारत साहब भी कह रहे थे, जो पिछले 5 साल में जो वाकात हुए यहाँ में इंतखाबात करने के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के रवैये से हवाले से, तो कहीं ना कहीं एतबारियत में कमी आ गई है। मैंने कहा ना कि हम सारी पार्टियां इकट्ठे करके होके हम मुलाकात भी हुए दिल्ली में, दिल्ली यहां से दिल्ली का सफर किया, वहां की सारी नेशनल पार्टी से उन्होंने मेमोरेंडम दिया, लेकिन आज तक दौरे होते रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो रही है, तैयारी कर लें लेकिन बाद में उम्मीदवार भी उठाएं, तो ये सिर्फ तैयारी ना करें। और दूसरी बात यह है कि सबक पार्लियामेंट के इलेक्शन में किसने किसको क्या सबक दिया वो तो आप जानते हैं, आप जानते हैं कि इलेक्शन के नतीजे से वो साफ जाहिर है, लेकिन हमें इस बहस में उस पर उसका तज़किरा नहीं करना। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं, जबकि हम खुशामदीद करते हैं इनके यहाँ आने का, लेकिन साथ ही हमारी ये उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये 2 दिन के बाद फौरन ही जम्मू में एक टाइम फ्रेम का ऐलान करे, ताकि ये लगे कि नहीं कोई संजीदगी है, वरना कई बार एतराफ किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या वैक्यूम है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए जो होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा, लेकिन 6 साल से यहाँ पर बड़ा गवर्नेंस डेफिसिट है, 1.5 करोड़ आवाम को अफसरशाही के हवाले किया गया। आप देखिए इस वक्त क्या है, हेल्थ केयर हो, पीने के पानी का मामला हो, जल से नल की बात हो, और हर शोबे की बात कीजिए, कैसा ह्यूज गवर्नेंस डेफिसिट है और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है, इंसाफ तक रसाई नहीं है, कोई कहीं पर कोई ग्रीवियंस रिडर्सल सिस्टम नहीं है। तो जनाब हम यही आपसे इस्तः करेंगे कि हम यही उम्मीद करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि वो सारे का इदराक करके इसका नोटिस लेकर और बार बार के यहाँ पर दौरे के आप आखिर में तकरीबन एक अलग टाइम फ्रेम का ऐलान करें, ताकि एतबारियत बढ़ जाए और हम सब लोगों की तवज्जो मरकूज हो इलेक्शन की तरफ, ताकि एक नुमाइंदा हुकूमत बने। देखिए जेब नहीं देता है जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क को, जहाँ 150 करोड़ लोग यहाँ पर जमहूरियत के रक्स की बात करते हैं, 150 करोड़ लोगों की जमहूरियत है, वहां पर 1.5 करोड़ लोग पिछले 6 साल से जमहूरी इदारों से महरूम है, तो क्या वजह है? पार्लियामेंट अलग चुनी हुई, इतना पूरा तरीके से चुनी हुई सरकार होना बहुत जरूरी है, और जम्मू कश्मीर जैसे हसास रियासत के लिए तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। ओबरॉय साहब देखिए, ओबरॉय साहब मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सरदारी आवाम का हक है, हमारे नारा रहा है पिछले 100 साल से, और हमने ही पहले जमहूरियत के लिए यहाँ मुस्तम करने के लिए इकदाम किए। हम ये चाहते हैं कि आवाम को हक दिया जाए, फिर आवाम किसको चुनते हैं वो तो बाद की बात है, जिसको आवाम चुनते हैं उसको ही यहाँ पर हुकूमत करने का हक हो। बिल्कुल, मैं बशारत बुखारी साहब, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का ये वफद आएगा, दौरा करेगा, श्रीनगर जम्मू सभी जगहों का दौरा होगा, और जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन तमाम सियासी पार्टियों के वफूद से भी ये डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन की टीम मुलाकात करेगी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सभी के जो दल हैं, सभी के जो वफूद हैं मुलाकात करेंगे। किस तरह से बशरत बुखारी साहब आप इलेक्शन कमीशन की टीम को आमादा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, क्यों इतनी जरूरत है चुनाव की? नहीं, पहले मैं हंसी मजाक एक तरफ, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं निर्मल सिंह साहब को कहूंगा कि हम लोग 2021 से तैयारी में हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये कोई मजाक वाली बात इसलिए नहीं है, बिकॉज जब आप सियासत में हैं तो आप बैठ नहीं सकते, तैयारी हम हर वक्त करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, आप मुझे नहीं पता निर्मल सिंह साहब वापस बोल सकते हैं इस पर, नहीं बोल सकते हैं कि 2 साल पहले लगभग, हाँ 2 साल हो गए, 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग की सबके साथ, जी जी 2 साल पहले, जी शायद निर्मल सिंह साहब खुद मौजूद रहेंगे उसमें, मुझे याद नहीं इतना, बट लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। मुझे बताइए, जब वजीर आजम साहब ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, 2 साल हो गए, तब से लेकर आज तक जमहूरी निजाम यानी पब्लिक जो पोलिटिकल सिस्टम होता है, लोगों की जो नुमाइंदगी होती है, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ।
ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं निर्मल सिंह साहब, ये लोग हमसे भी पूछ रहे हैं, ये शायद हसनैन मसूदी साहब से भी पूछ रहे होंगे, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग को उस वक्त क्रिटिसिज्म हुआ बहुत ज्यादा, लोगों ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमसे सब कुछ लूटा क्यों गए आप, लेकिन यहाँ के लीडरों ने उस जहर को भी, उस जहर की घोट को भी ले लिया अंदर और वो ऑल पार्टी मीटिंग में चले गए और बातें वहां हुई। पर निर्मल सिंह साहब उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ, जवाबदेही हमको भी है अपनी लेवल पे, नो डाउट हम बहुत 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 छोटे लोग हैं, बहुत हकीर इंसान हैं हम, बहुत ही छोटे लोग हैं हम, लेकिन जवाबदेही हमको भी है इस एतबार से, और आपको ज्यादा है क्योंकि मरकज में आपकी सरकार है, आपको जम्मू में भी जवाबदेही है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को आप साइड पर रख दीजिए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी क्या है, हसनैन साहब की क्या है, अबू हुरैरा साहब की क्या है, उसको छोड़ दीजिए, बट अल्टीमेटली कि लोगों का अपना राज होना चाहिए। आप मुझे बताइए निर्मल सिंह साहब, 136 थे हम शायद, 89 + 36, 125 थे हम शायद MLC और MLAs, और चार जोड़ दीजिए आप MP राज्यसभा हो गए 129। ये 129 लोग एक दिन में एक टाइम पे 129 जगह पे बैठते थे, और अगर दिन में सिर्फ 5 जगह जाते तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6-7 जगह हो गई। अब देख लीजिए कि एक दिन में 5 जगहों पे ये कम से कम 1000-2000 तो मिलते थे, मल्टीप्लाई बाई 600 और × 2000 कितने लोगों से मिलते थे ये। मैं नहीं कहूँ का सबका काम होता था, लेकिन थानेदार के पास काम, एग्रीकल्चर असिस्टेंट के पास काम, तहसीलदार के पास काम, नायब तहसीलदार के पास काम, SP साहब के पास काम, DC साहब को फोन, सेक्रेटरी साहब को फोन, सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट लोगों को लगता है कि हम एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, कोई हमारी सुनता है या कहीं पे हमारी सुनवाई हो रही है। लेकिन आज की तारीख में आपने 90 सीटें तो बढ़ा दी, काउंसिल नहीं है कोई। अच्छा आप हमारे गवर्नर साहब हैं, मान लीजिए मुझे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं आ रहा हूं जी, एक सेकंड, गवर्नर साहब से मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इंसाफ का तकाजा है कि अगर आपके गवर्नर साहब भी मिलेंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे भाई, क्या दिन भर रात भर मिलते ही रहेंगे, नॉट पॉसिबल। इसको पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, आप लोगों का देख लीजिए कि लोग जो हैं, जो एक नुमाइंदगी चाहते हैं, सरकार चाहते हैं, उनको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्वासन दे दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे एतबार नहीं, मैं मुझे लगता है कि इलेक्शन होगा, लेकिन फिर शक हो जाता है, क्या पता कोई और चीज हो इसमें, इसके पीछे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान है, बशर है हम सब। डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं जी, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। बशारत साहब आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं कहूंगा कि भारत ने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, और लोकतंत्र जो है दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्पाइट ऑल इट्स डिमेरिट्स, तो जमहूरी हुकूमत होनी ही चाहिए। लेकिन मैं इनको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार नहीं है कि 5 साल तक असेंबली के इलेक्शंस नहीं हुए, 1996 से पहले कितनी बार जो है इलेक्शन हुए हैं, 1996 से पहले आपने लगभग 5-6 साल, शायद 89 में जो है असेंबली टूटी, मुझे याद नहीं है डेट, टूटी थी, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, 96 में हुए, यह भी ध्यान में रहना चाहिए। और दूसरी है, आपने जो गिनाया डाटा दिया है कि इतने MLAs थे, इतने MLAs थी, MLCs थे, इतने, आपने DDC को नहीं इसमें जोड़ा, क्योंकि जो आप साथियों को, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनको एम्पावरमेंट लोगों की लगती है, सिर्फ असेंबली तक, उनको DDC वाली एम्पावरमेंट नहीं लगती, VDC की नहीं लगती, जो पिछले 76 सालों में नहीं की है, पंचायत की नहीं लगती, लोकल बॉडीज की नहीं लगती इनको, वो भी तो नुमाइंदे हैं भाई, और हर आखिरी गांव के आखिरी व्यक्ति तक जो है फंड्स पहुंचे हैं पिछले सालों में। और आपको याद होगा बशारत साहब, हम इकट्ठे थे जब हम कहते थे कि पंचायत इलेक्शंस कराओ, सभी लोग PDP, आप जब तक PDP में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जितनी पार्टी एकजुट होगी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चाहती थी इलेक्शन हो, आपने नहीं माना, ईमान से आप इसको कहिएगा इस बात को, लेकिन आज वहां इलेक्शन हुए। हाँ, असेंबली के इलेक्शन जो है पिछले सालों से नहीं हुए, हम भी चाहते हैं, शुरू से कह रहे हैं जल्दी से होना चाहिए, लेकिन ये एक जो है, एक जो है, हो सकता है स्ट्रेटेजिकली या जिस प्रकार से भी इलेक्शन कमीशन, जहाँ की स्टेट की जो गवर्नमेंट है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी जो जो जितनी भी उनकी जो असेसमेंट होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन नहीं हुए, लेकिन जल्दी हों और जल्दी होंगे, इस प्रकार का हमारा भी मानना है। बशारत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं हसनैन मसूदी साहब आ रहा हूँ जी, बशारत बुखारी जी,
एक चीज ये कि अगर मुझे मालूम है कि 90 से लेकर 96 तक इलेक्शन नहीं हुए, हालात खराब थे, आपने भी 5-6 साल नहीं किए, लेकिन पार्लियामेंट किए हुए तब भी आप आज भी, तो आप मान लीजिए कि हालात खराब है, आप कहीं कहेंगे इलेक्शन करिए, अगर आपको लगता है कि वैसे ही हालात खराब है जैसे 90 से 96 तक थे, अगर आप ये मानते हैं तो ठीक है, मत बोल सकते हैं, निर्मल सिंह जी बोल सकते हैं, उस समय हम जिम्मेदार नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, यही जो इंडिया अलायंस है वही था, उनसे भी क्वेश्चन करिए क्यों नहीं किया उन्होंने। जी प्लीज बोलिए, प्लीज मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ हालात बहुत खराब थे तब, इसमें कोई शक नहीं, इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन देवीगौड़ा साहब ने उन हालात में भी इलेक्शन कर दिया। आप विद ऑल रिस्पेक्ट टू यू, आप एक तरफ से कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है और पूरा दिल्ली से लेकर यहाँ तक डंडोरा पीटा जा रहा है, तो फिर कह दीजिए हालात ठीक नहीं है, वल्लाह नहीं कहेंगे इलेक्शन करने के लिए, विल टेक अवर वर्ड्स बैक, नंबर एक। नंबर दो, अगर पंचायत राज या BDCs ही इसका रास्ता है, और DDC तो कई मुल्क में नहीं है, आपने हमारे यहाँ पे DDC, तो फिर ऐसा कर लीजिए ना, मेरा मशवरा आपसे है कि आप पूरे मुल्क में असेंबलीज खत्म कर लीजिए, DDC कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, तो पूरा मुल्क एक निजाम में चलेगा। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि आपने बारामूला DDC थ्री टायर सिस्टम और असेंबली का कोई मुकाबला नहीं है, अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल। एक सेकंड, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, एक और बात बता दूं आपको, बारामूला जिला जो है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर मुश्तमिल है, हमारा गांदरबल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे है, वहां भी 14 DDC, यहां भी 14 DDC, क्या निजाम है ये पॉपुलेशन पे है, टेरेन पे है, किस पे है ये? वहां का DDC तो सरपंच के बराबर इलाका उसका, और यहां का DDC दो ब्लॉक का एक है, एक एक ब्लॉक का एक है, तो ये भी कौन सा इंसाफ हुआ? हमारे पास भी 14 DDC, उनके पास भी 14 DDC, कहावत है जी, बीटिंग अबाउट द बुश, वही कर रहे हैं। अरे भैया तैयारी करिए इलेक्शन की, और अक्सर में जा तो फिर शक में रहिए, अभी भी शक में रहिए कि नहीं ये नहीं करवाएंगे, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। मैंने परसों भी आपसे गुजारिश की कि आप इतनी ज्यादा यकीन दहानी कराते हैं फिर पीछे नहीं मुड़ सकते, याद रखिएगा मेरी बात, मैं आपको इसी चैनल पे पकड़ लूंगा। देखिए दो दिन रुक जाइए, नहीं बशारत साहब दो दो, दो दो दिन रुक जाइए, दो तीन दिन। हसनैन मसूदी साहब देखिए अब इतनी ज्यादा यकीन दहानी हो गई कि अब तो यहाँ से अब शक नहीं रहना चाहिए, अब यहाँ से भरोसा करना चाहिए आप लोगों को। चले दो दिन का इंतजार है। आप देखिए होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं जी, इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन के लिए तैयार है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए बात यह है कि जब ये 90 से 96 की बात शुरू हो गया ना, इलेक्शन कमीशन आएगा, दौरा करेगा, हालात का जायजा लेगा, नहीं चीजें शुरू हो चुकी है, नहीं वही बातें नहीं, देखिए सबसे बड़ी ये है कि नॉर्मलसी नैरेटिव ये कर रहे हैं, जब ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि आज नॉर्मलसी है तो कोई वजह ही नहीं था आखिर में, अगर आप इलेक्शन में ताखीर कर रहे हैं कोई वजह ही नहीं। अभी तो देखिए 30 सितंबर में अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, और अब ताखीर कहां हो रही है? अब तो इलेक्शन कमीशन दौरा करेगा, हालात का जायजा लेगा, और उसके बाद ऐलान हो जाएगा। देखिए हम भी वही उम्मीद करते हैं, देखिए अभी मंगनी हो गई है, आप बाकी में हो गई है, कहते शादी नहीं होगी, नहीं होगी शादी, नहीं शादी होगी, नहीं तैयार रही है बात, वही इनको शक है जी, शक में बात ये आप देखिए पंच आप लोकल बॉडी आप अर्बन लोकल गवर्नमेंट का आप उनका ये नहीं कर सकते कि वो मुतबादिल है असेंबली के। देखिए असेंबली का अपना एक मंडेट है, असेंबली का अपना दायरे इख्तियार है, आप कह रहे हैं कि अपना रोल है, अरे यहाँ तो पंचायत राज का पंचायत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है, और इसके बाद 2-3 दिन तक ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेगी, तमाम चीजों का हालात का जायजा लेगी, सिक्योरिटी का जायजा लेगी, लोगों से मुलाकात होगी, तमाम वफूद से सियासी पार्टियों से सबसे मुलाकात होगी, और हालात का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव ऐलान होगा, और उनकी तरफ से चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जल्द चुनी हुई सरकार मिलेगी।